आप लोगों को लगता है कि मुनव्वर फारूकी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है? अगर हाँ तो मुनव्वर टैलेंटेड करके कमेंट ज़रूर करना और मुझे जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कर लेना। तो गैस, मुनव्वर फारूकी का आप लोगों ने आज प्रोमो देखा स्टैंड अप कॉमेडी का। तो मुनव्वर को एक टास्क दिया गया था जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। तो अब स्टैंड अप कॉमेडी का पूरा सेट जो है एक्टिविटी एरिया में सजाया गया था और सब लोगों ने टिकट ली थी, ऐश्वर्या, अनुराग और औरा को छोड़ के, जहाँ पर इन सब लोगों के ऊपर जो है मुनव्वर ने कुछ ना कुछ चीज़ लिखी थी स्टैंड अप कॉमेडी की, जहाँ पर पूरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। चिल्ला चिल्ला के सब ने मुनव्वर मुनव्वर ही किया, और अंकिता ने, रिंकू जी ने और खानजादी ने, मनारा ने, सब लोगों ने स्टेज पे आके जो है मुनव्वर को एक बार हक तो किया। मतलब कि वो होता ना एक क्रेज कि भाई उसका टैलेंट देख के ना बंदा उसका फैन बन जाता है, और अब घर के सदस्य जो है मुनव्वर का ये टैलेंट देख के सच में मुनव्वर के फैन बन गए हैं और ऐसी ऐसी तारीफ कर रहे हैं कि यार क्या था ऐश्वर्या, तुमने मिस कर दिया। अभिषेक ने बाहर आके ये बात बोली है कि ऐश्वर्या तुमने मिस कर दिया, क्या शो था। ऐश्वर्या ने बोला हाँ वो तो अच्छा ही होगा ना, कॉमेडी शो था तो अच्छा ही होगा ना। भाई अच्छा नहीं होगा, मुनव्वर फारूकी वहाँ पर है, उसने जो टैलेंट में कुछ टाइम में उसने जो लिखे हैं ना, जो दिमाग से जो चीज़ें लिखी है ना, सबको इतनी मस्त मस्त लिखी है ना कि सब लोगों को हिला के दिखा दे, और सब लोगों की आंखें फटी रह गई। मैं सच में सबके एक्सप्रेशंस देख के जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ मुनव्वर का बिग बॉस में शो देखने के लिए। क्या आप लोग भी हैं एक्साइटेड? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मुनव्वर टैलेंटेड है तो मुनव्वर टैलेंटेड करके कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।